इन होट 3-2-1 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेक्चर 20 पार्ट फर्स्ट फर्मेंटेड बीवरेजेस. इन दिस लेक्चर आई विल कवर वाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन, देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाइन. इस वीडियो में मैंने बहुत सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट के इमेज को एजुकेशनल पर्पज से यूज किए हैं, जिनको प्रमोट करना या कोई अदर मीन नहीं है. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्मेंटेड बीवरेजेस, फर्मेंटेड बीवरेजेस कह लो या फिर हिंदी में किण्वित पेय पदार्थ. अपने पहले लेक्चर के अंदर अकिण्वित पेय पदार्थ अनफर्मेंटेड बीवरेजेस के बारे में पढ़ा था, जैसे आपने जूस, आरटीएस, नेक्टर, कोर्डियल, इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है. और इस लेक्चर के अंदर अपने फर्मेंटेड बीवरेजेस पढ़ेंगे. ए फर्मेंटेड फ्रूट ड्रिंक इज ए फ्रूट जूस दैट हैज़ अंडरगोन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय जीस सच एज सैक्रोमाइसिस कैरेबेसी सैरेबेसी, ठीक है. तो फर्मेंटेड बीवरेजेस क्या होता है? फर्मेंटेड बीवरेजेस एक फलों का रस कह लो, ठीक है, जिसके अंदर एक जीस्ट सैक्रोमाइसिस सैरेबेसी, ठीक है, सैरेबेसी जो जीस्ट है या उसकी जो स्पीसीज है जीस्ट की, उसके द्वारा एल्कोहलिक किण्वन होता है, ठीक है. जो भी प्रोडक्ट बनता है वो फर्मेंटेड ड्रिंक कहलाता है. और जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें अलग अलग मात्रा में इथाइल अल्कोहल पाया जाता है, मतलब अल्कोहल की मात्रा उन प्रोडक्ट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है. प्रोडक्ट कंटेंट वेरिंग अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल. कुछ एग्जांपल हैं जैसे एप्पल सीडर, प्लम वाइन, ग्रेप वाइन, बर्माउथ एक्सेट्रा, ये फर्मेंटेड बीवरेजेज हैं. देन टाइप्स ऑफ वाइन, वाइन के प्रकार. पहला तो वाइन, ठीक है, जो मेन वाइन के नाम से जाना जाता है. वाइन में भी डिफाइंड एज ए फर्मेंटेड बीवरेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप्स आफ्टर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. वाइन क्या है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो एक फर्मेंटेड एल्कोहलिक सॉरी फर्मेंटेड बीवरेजेस के रूप में, किण्वित पेय पदार्थ के रूप में, जिसमें अंगूर का जो रस होता है उसका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, मतलब अंगूर के रस को एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा जो तैयार किया जाता है एल्कोहलिक किण्वित पेय पदार्थ है वो वाइन कहलाती है. व्हेन अदर फ्रूट्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाइन देन दीज आर कॉल्ड बाय प्रीफिक्सिंग द नेम ऑफ फ्रूट, फॉर एग्जांपल प्लम वाइन, पीच वाइन एक्सेट्रा. वाइन्स आर ऑफ टू काइंड्स विद ड्राई एंड स्वीट, ठीक है. अगर अपने दूसरे फलों को यूज करते हैं वाइन बनाने के लिए तो उनका नाम पहले लगा दिया जाता है, प्रीफिक्सिंग कर दिया जाता है, जैसे प्लम वाइन है, आलू बुखारा की वाइन है, ठीक है, पीच वाइन है, ठीक है. और वैसे वाइन दो प्रकार की होती है, ड्राई और स्वीट, ड्राई एंड स्वीट वाइन. ड्राई वाइन्स कंटेन प्रैक्टिकली वेरी लिटल और नो शुगर, वेयर एज स्वीट वाइन कंटेन सम शुगर एंड टेस्ट स्वीट्स, ठीक है. जो ड्राई वाइन होती है अगर उसको देखें तो प्रैक्टिकली उसमें शुगर नहीं होता, उसमें मिठास नहीं होती, ठीक है, या फिर बहुत ही कम मात्रा में उसमें मिठास होती है. जबकि जो स्वीट होती है उसमें शुगर मिलाया हुआ रहता है, जहाँ कह लो कि वो मीठी होती है, उसको स्वीट वाइन कहते हैं. द एल्कोहल कंटेंट ऑफ दीज वाइन्स रेंजेस फ्रॉम 7-20%, और एल्कोहल कंटेंट जो होता है इन वाइन के अंदर 7-20% तक पाया जाता है. एल्कोहल कंटेंट वाइन के अंदर 7-20% होता है. एल्कोहल कंटेंट के आधार पर भी इनको डिवाइड किया जा सकता है. वाइन्स कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ एल्कोहल कंटेंट, एल्कोहल कंटेंट के आधार पर भी इसको क्लासिफाइड किया जाता है. जैसे लाइट वाइन, ठीक है, कंटेंस एल्कोहल कंटेंट ऑफ 7-9%. जो लाइट वाइन होती है उसके अंदर एल्कोहल जो पाया जाता है वो 7-9% पाया जाता है. मीडियम वाइन विद एल्कोहल 9-16%, मीडियम के अंदर 9-16%, और स्ट्रॉन्ग वाइन के अंदर विद एल्कोहल ऑफ 16-20%, 16-20% पाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग वाइन होती है. जनरली वाइन विद मोर देन 12% एल्कोहल आर फोर्टिफाइड विद फ्रूट ब्रांडी एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलिंग ग्रेप वाइन, ठीक है. जो जनरली जिनके जिस भी वाइन के अंदर 12% से ज़्यादा एल्कोहल कंटेंट पाया जाता है, मतलब 12 तक तो बन जाता है अपने आप ही, जब अपने उसमें वाइन प्रिपरेशन होती है अपने आप ही हो जाता है. पर हाँ, अगर उसको कभी कभी क्या होता है कि 12% से ज़्यादा, जैसे स्ट्रॉन्ग वाइन है तो उसके अंदर ब्रांडी मिलाई जाती है. ब्रांडी होती है एक तरीके का अंगूर की वाइन, जिसको डिस्टिल किया जाता है आसवन के द्वारा, उसको प्योर कर लिया जाता है और ज़्यादा उसमें कह लो कि तेज कर लिया जाता है, उसको उसमें मिलाते हैं, फोर्टिफाइड किया जाता है, या कह लो उस वाइन को 12% से बढ़ाने के लिए उसको फोर्टिफाइड करते हैं, ठीक है.
फिर है शैंपियन। शैंपियन क्या है, अपने पहले वाइन पढ़ा, ठीक है। शैंपियन क्या होती है, अब शैंपियन भी एक तरीके की वाइन ही है, मेड मेनली फ्रॉम सर्टेन ग्रेप वराइटीज इन फ्रांस। जो शैंपियन है ये फ्रांस के अंदर अंगूर की अलग अलग किस्मों से बनाई जाती है, या कह लो कि उद्गम स्थल भी इसका फ्रांस ही है। वैसे दूसरे देशों में आजकल बनाई जाती है, पर सेम बनाई जाती है उसी प्रोसीजर से जिस प्रोसीजर से फ्रांस के अंदर बनाई जाती थी। शैंपियन इज स्पार्कलिंग क्लियर वाइन एंड इज मेड इन मेनी अदर कंट्रीज एज वेल। शैंपियन क्या है, एक चमकदार साफ वाइन है, दूसरे देशों में भी ऐसा चीज को बनाया जाता है। जनरली द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज कम्प्लीट इन बोतल्स। जो इसकी जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन की, उसको बोतलों के अंदर पूरा किया जाता है, मतलब इसमें बैरल यूज़ नहीं करते, जो कांच की बोतलें होती हैं उन्हीं के अंदर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। दीज बोटल्स आर स्पेशली मेड टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। जो इनकी बोतलें होती हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है, जो स्पेशली डिज़ाइंड होती हैं, जहाँ कह लो कि ऐसा मटेरियल लगाते हैं उसमें कांच की बोतलों में, कि जो अंदर किण्वन की प्रक्रिया के दौरान या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान जो गैस पैदा होती है उसके दबाव को वो बोतल सहन कर सके, इस तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है, जब उसको बोतलों को इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, कि हाई प्रेशर को वो सहन कर सके। अब इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वाइन की डेफिनेशन पूछ ली, शैंपियन की पूछ ली, या फिर शेरी, पेरी, पोर्ट, इनकी डेफिनेशन छोटी छोटी डेफिनेशन टाइप रहते हैं, तो इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, जहाँ कह लो कि शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं इनके बारे में कि ये क्या है, ठीक है। और ये चीज़ें क्या है कि है तो ये सारी की सारी वाइन ही, पर इनको अलग अलग फलों से बनाया जाता है, अलग अलग विधियों से बनाया जाता है, इसीलिए ये स्पेशल है और अलग अलग देशों के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। जैसे शैंपियन फ्रांस की है। देन पोर्ट, पोर्ट क्या होता है, दिस फोर्टिफाइड स्वीट रेड वाइन इज ओरिजिनली फ्रॉम पुर्तगाल। ये एक फोर्टिफाइड मीठी लाल रंग की वाइन है, ठीक है, जो कि पुर्तगाल की है, जिसको ओरिजिन पुर्तगाल से हुआ है, यानी कि पुर्तगाल की बनी हुई शराब है फोर्टिफाइड स्वीट रेड वाइन, बट इज नाउ प्रोड्यूस इन अदर कंट्रीज एज वेल। परंतु आजकल इसे दूसरे देशों के अंदर भी एज सच बनाया जाता है, जैसे ये पुर्तगाल के अंदर बनाई जाती थी विधि से, उसी विधि से दूसरे देशों में भी बनाई जाती है, ठीक है। पोर्ट याद रखना, पोर्ट पुर्तगाल की। देन मस्कट, मस्कट मेड फ्रॉम ग्रेप्स ऑफ द मस्कट वैरायटी इन ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, इटली एंड स्पेन। इसे अंगूर की मस्कट वैरायटी से बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कैलिफोर्निया, इटली और स्पेन के अंदर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे अभी अपने पोर्ट पढ़ा, मस्कट पढ़ा, ठीक है, ये ऐसे ही पूछा जाता है मस्कट क्या है। ये एक वाइन का टाइप है, मेड फ्रॉम ग्रेप्स ऑफ द मस्कट वैरायटी इन ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, इटली एंड स्पेन, इन देशों के अंदर बनाया जाता है। वैसे तो और देशों के अंदर भी बनाई जाती है, पर मस्कट वैरायटी से ही बनाई जाती है। देन टोके, दिस इज अ फेमस फोर्टिफाइड वाइन फ्रॉम हंगरी। टोके हंगरी की एक फोर्टिफाइड वाइन है, ठीक है, फेमस वाइन है, फोर्टिफाइड मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ, जैसे मान लो उसमें मिठास हो सकती है, मीठा बनाने के लिए उसको किया गया हो सकता है उसमें थोड़ी मात्रा में ब्रांडी मिलाई हुई हो, जिससे कि वो उसमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाए, फोर्टिफाइड से मतलब ये होता है, ठीक है। फिर देन है शेरी, शेरी इज़ ए स्पेनिश वाइन दैट इज मैच्योर्ड बाई प्लेसिंग फिल्ड बैरल्स इन सनलाइट एट ए टेम्परेचर ऑफ 54 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 मंथ्स। शेरी एक स्पेनिश वाइन है, ठीक है, जिसे बैरल के अंदर, यानी कि बनाने के बाद उसको बैरल के अंदर भर देते हैं और उसको मैच्योर किया जाता है, पकाया जाता है धूप के अंदर 45 to 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 3 to 4 महीने तक उसकी एजिंग की जाती है, जब उसकी मैच्योरिंग की जाती है, ठीक है। शेरी स्पेनिश वाइन है, जिसके एक खासियत और है कि इसको धूप के अंदर, जहाँ 54 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर 3 to 4 महीने तक बैरल्स के अंदर भर के रख देते हैं, फिर उसके बाद उसको यूज करते हैं फिल्टर करके। देन पेरी, पेरी द वाइन मेड फ्रॉम पियर इज कॉल्ड पेरी। जो वाइन पियर से बनाई जाती है वो पेरी कहलाती है। इट इज मेड इन द सेम वे एज एप्पल सीडर, इसे उसी तरीके से बनाते हैं जैसे एप्पल सीडर बनाया जाता है। पेरी, पियर मतलब नाशपति। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्टेज, कोल्ड फ्रूट्स, ट्रिमिंग्स, लेफ्ट ओवर फ्रॉम कैनरीज। और इसे जो कचरा बचता है, एक तरीके से कह लो
कैनरीज का, कैनरीज मतलब जो कैनिंग फैक्ट्रीज रहती हैं, डिब्बाबंदी वाली फैक्ट्रीज रहती हैं जहाँ पे पियर की किया जाता है, वहाँ पे फलों को काटने के बाद जो छिलका बचता है या गुठली बीज बचते हैं उनसे इसको बनाया जाता है, ठीक है, पैरी को। देन ऑरेंज वाइन, स्वीट ऑरेंज जूस इज फर्मेंटेड टू मेक ऑरेंज वाइन। स्वीट ऑरेंज के जूस को फर्मेंटेड किया जाता है ऑरेंज वाइन को बनाने के लिए, ठीक है। दिस मेथड इज ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रेप्स वाइन। जो ग्रेप वाइन की विधि है सेम विधि से ही इसको बनाया जाता है। ऑरेंज पील ऑयल शुड बी मिनिमल इन द जूस, अदरवाइज इट प्रेजेंट स्टॉप फर्मेंटेशन कम्प्लीटली। ऑरेंज पील ऑयल यानी कि जो ऑरेंज के छिलके का तेल होता है, ठीक है, छिलके के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, उनमें ऑयल पाया जाता है ऊपर वाले छिलके के अंदर ऑरेंज के। तो जब भी जस्ट जूस निकालते हैं, रस निकालते हैं, तो उस छिलके को मतलब रस निकालते टाइम उसको छील के निकालना चाहिए, यानी कि उसको अंदर ही निकाल दो। तो अगर उसका छिलके का ऑयल अंदर रहता है तो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, फर्मेंटेशन की प्रोसेस को वो होने नहीं देता वो ऑयल, ठीक है। देन है बेरी वाइन, नाम से ही पता चल रहा है बेरी वाइन। वाइन मेड फ्रॉम फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरी, ब्लैक बेरीज एंड एल्डर बेरीज आर नोन एज बेरी वाइन, ठीक है, जो भी बेरी से बनती है वो बेरी वाइन। देन फेनी, फेनी इज ए लिक्वर मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ कैशो एप्पल इन सम प्लेसेज लाइक गोवा। फेनी क्या है, एक फर्मेंटेड जैसे नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कैशो नट का, सॉरी हाँ कैशो नट का फल है, काजू का फल कह सकते हो, ठीक है, नीचे कर्नल जहाँ कह लो कि इसकी गिरी है, ठीक है, जिसको आप काजू के रूप में यूज करते हो, और ऊपर जो फल है वहाँ के जो लोकल लोग हैं साउथ इंडिया की साइड जहाँ जहाँ पे भी इसकी कल्टीवेशन की जाती है, वो इस फल को रस को इसके फल का रस पीते हैं, मतलब रस बना के पीते हैं, मीठा होता है खाने में, ठीक है, रस बना के पीते हैं। और इसके अलावा इसका जो रस होता है उसको फर्मेंटेशन भी किया जाता है जिससे फेनी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये गोवा की काफ़ी फेमस है फेनी। देन नीरा, नीरा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जूस ऑफ पाम ट्री। नीरा है उसे पाम ट्री के जूस से बनाया जाता है। अब पाम ट्री का जूस तो वैसे नहीं निकलता, हाँ उसके लिए क्या करते हैं, जो उसका स्पाइक रहता है पाम ट्री के अंदर, जैसे मान लो पालमीरा पाम है, कोकोनट पाम, कोकोनट है, नारियल है, ठीक है, इसका जो स्पाइक जब निकलता है उससे पहले ही क्राउन से जब निकलना स्टार्ट होता है उसी टाइम उसको टैप कर देते हैं, ऊपर से बांध के उसको कट लगाया जाता है, ठीक है, और उसके उसके अंदर से, उस स्पाइक के अंदर से जो रस निकलता है उसको एक मिट्टी के बर्तन के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, उसके रस को इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में उसमें फर्मेंटेशन कराया जाता है। आप इसको कोकोनट टोडी भी कह सकते हो, जैसे टोडी, ठीक है। तो ये एक लोकली जो साउथ इंडिया है जहाँ पे भी पाम की खेती की जाती है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है, फर्मेंटेड बीवरेज बनाया जाता है। देन है मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाइन, मेथड्स क्या है वाइन बनाने का। फ्रूट सुटेबल फॉर मेकिंग वाइन, फ्रूट्स कौन कौन से सुटेबल होते हैं वाइन बनाने के लिए, एप्पल, कस्टर्ड फ्रूट, पियर, जामुन, बेरीज, कैंटालूप, कोकोनट टोडी, पोमग्रेनेट, बनाना, ग्वावा, प्लम, स्ट्रॉबेरी, पीच, कीवी फ्रूट, रसबेरी, चेरी, पाइनएप्पल, डेट, एप्रिकोट, लीची एंड मिक्स फ्रूट कैन वाइन कैन बी मेड फ्रॉम फ्रूट्स, ठीक है, मतलब सेब है, सीताफल है, नाशपाती है, जामुन है, बेरीज है, या फिर कैंटालूप कह लोगे एक तरीके का खरबूजा, कोकोनट टोडी है, अनार, केला, अमरूद, आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा आड़ू, कीवी और रसबेरी, इसके अलावा चेरी, अनानास, खंजूर, एप्रिकोट, ठीक है, इसके अलावा लीची, और इस या फिर दो तीन फलों को मिक्स करके आप वाइन बना सकते हो, मतलब ये फल सूटेबल होते हैं वाइन बनाने के लिए। द वाइन कैन बी रेड और वाइट डिपेंडिंग ऑन द ग्रेप्स यूज्ड, रेड ग्रेप्स आर क्रश्ड एंड फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस रेड वाइन, वाइल वाइट वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग वाइट ग्रेप जूस। रेड वाइन, ठीक है, जो उनका रंग होता है रेड और वाइट, वो ग्रेप्स की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रंग की शराब बनेगी, ठीक है। अगर रेड वैरायटी यूज़ कर रहे हो आप ग्रेप्स की, उसको क्रश करते हो, तो उससे आपको रेड वाइन मिलेगी,
और जबकि आप अगर वाइट जूस को, वाइट ग्रेप्स की वैरायटियों के जूस को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वाइट वाइन प्राप्त होगी। प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट फॉर फर्मेंटेशन, उनको तैयार करना फर्मेंटेशन के लिए, तो द ग्रेप्स वराइटीज़ लाइक ब्यूटी सीडलेस, अर्का श्याम, कॉनकॉर्ड एक्सेट्रा आर यूज फॉर मेकिंग वाइन। जो अंगूर की किस्में हैं जैसे ब्यूटी सीडलेस है, अर्का श्याम है, कॉनकॉर्ड है, इनको यूज़ किया जाता है वाइन बनाने के लिए, मेनली इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। टू मेक वाइन फ्रॉम वाइट ग्रेप्स द जूस इज टेकन, वेयर एज इन द केस ऑफ कलर्ड ग्रेप्स, क्रश्ड ग्रेप्स विदाउट एनी स्टेम आर टेकन फॉर फर्मेंटेशन। जब अपने शराब बनाते हैं अंगूर से, सॉरी ये वाइन बनाई जाती है अंगूर से, वाइट अंगूर से, तो इससे रस लिया जाता है, मतलब उसका जो हार्ड या ठोस मटेरियल होता है उसको अलग कर देते हैं, रस को निकाल लेते हैं। जबकि जो कलर्ड किस्में होती हैं अंगूर की, उनको सीधा क्रश कर लिया जाता है, मतलब उसके तनों, उसके मतलब गुच्छे से अलग करके, फलों को अलग अलग करके उसको क्रश कर लेते हैं और सीधा ही फर्मेंटेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। द फ्रूट इज़ क्रश्ड टू एक्सट्रैक्ट द जूस और द फ्रूट पल्प इज यूज इन द फर्मेंटेशन, मतलब फलों को क्रश करके जूस निकाला जाता है, या फिर जो पल्प होती है सीधी की सीधी ही उसको फर्मेंटेशन के लिए यूज कर लिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप उसका पहले जूस निकालो फिर उसके बाद उनको आगे फर्मेंटेशन के लिए रख करो, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के लिए बस सीधा आप उनको क्रश करके भी यूज कर सकते हो, मतलब उसकी लुगदी बनाई और सीधी फर्मेंटेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर डाल दी। देन है एडिशन ऑफ शुगर, जैसा कि पता ही है अपने को, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के लिए मीठा होना ज़रूरी है उसके अंदर, उस जूस का, ठीक है। अगर 22% से कम है तो उसमें मीठा अलग से मिलाया जाता है। द शुगर कंटेंट शुड बी बिटवीन 22 to 24% एंड द एसिडिटी शुड बी 0.6 to 0.8%, ठीक है। द शुगर कंटेंट है जो रस है, जहाँ जूस आप यूज़ कर रहे हो जिस जूस को, उसके अंदर 22 से 24% तक उसमें मीठा होना चाहिए और 0.6 से 0.8% तक उसमें एसिड होना चाहिए, एसिडिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अगर लो शुगर फ्रूट्स हैं जिसमें मीठा कम होता है, ऐसे फल है, तो उसमें कैन शुगर इज़ एडेड टू इंक्रीज द TSS टू 22%। उसमें कैन शुगर, जहाँ कह लो कि चीनी मिलाई जाती है, उसके TSS को 22 डिग्री या फिर 22% करने के लिए, ठीक है। देन है pH एडजस्टमेंट, pH एडजस्टमेंट, ठीक है, pH समझते होंगे। इफ नेसेसरी द pH ऑफ द जूस इज एडजस्टेड, अगर आवश्यकता है तो pH को एडजस्ट किया जाता है। इफ इट इज टू लो द जूस इज डायल्यूटेड विद वाटर, इफ इट इज टू मच टार्ट्रिक एसिड इज एडेड टू रिड्यूस इट, ठीक है। अगर जूस का pH कम है, pH कम है, यानी कि 3, 4, 7 से कम है, कह लो, एक वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 7 से कम है यानी कि कम है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूट उसमें पानी मिला देते हैं। अब पानी मिलाया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो कह लो कि उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, साथ में ही उसमें मिठास भी कम हो जाएगी। याद रखना वो 22% जो रखी है अपने, उससे कम हो जाएगी, इसलिए उसमें मीठा अलग से डालना पड़ेगा, और मीठा डालना पड़ेगा। हाँ, अगर pH ज़्यादा रहता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा है या कह लो, तो उसमें टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है जिससे कि उसका pH कम हो जाए। और वैसे जनरली जो इसकी एसिडिटी है 0.6 to 0.8% मेंटेन की जाती है फ्रूट जूस की, ठीक है, जिससे कि उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस आसानी से हो सके। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो, pH कम है और डाइल्यूट कर रहे हो, तो उसमें चीनी को मिलाया जाता है जिससे कि TSS को मेंटेन किया जा सके। देन है एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव परिरक्षी पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो अपने जीस्ट की ही ग्रोथ करवानी है, पर हाँ कभी कभी क्या होती है कि वाइल्ड यीस्ट है या फिर अनवांटेड बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको रोकने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उस वाइन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो उसके अंदर वाइल्ड यीस्ट है उसको ख़त्म कर देंगे। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, KMS, पढ़ा हुआ होगा पीछे अपने, ठीक है, पिछले लेक्चरों के अंदर पढ़ लेना। एट द रेट 1.5 ग्राम इज एडेड फॉर एवरी 10 kg ऑफ ग्रेप्स एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 2 to 4 hours। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को मिलाया जाता है 1.5 ग्राम फॉर एवरी 10 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब 10 किलो आपने रस लिया है या अंगूर लिए हैं, तो उसके अंदर आपको 1.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को मिलाना है और 2 से 4 घंटे तक उसको छोड़ देना है, ठीक है।
जल्दी नहीं करनी कि आपने यीस्ट का इनोकुलेशन करना है या जाग लगाना है तो उसकी जल्दी नहीं करनी, वो कम से कम 1 घंटा तो वेट करना ही करना है, नहीं तो 2 से 4 घंटे तक उसको पड़े रहने देना है जिससे कि उसके अंदर जो वाइल्ड बैक्टीरिया और यीस्ट के स्पोर्स हैं वो मर जाएं। सल्फर डाइऑक्साइड कैन आल्सो बी एडेड एट द रेट ऑफ 50 to 70 ppm टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड यीस्ट एंड अनवांटेड बैक्टीरिया। सल्फर डाइऑक्साइड को भी उसमें मिला सकते हैं अपने 50 से 70 ppm, वो भी जो वाइल्ड यीस्ट है और बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते, उससे बचाती है, ठीक है। देन जीस्ट इनोकुलेशन, जीस्ट इनोकुलेशन कह लो कि उसमें जामन लगाना या उसमें स्टार्टर डालना, ठीक है, अपने जितने भी ओदर बैक्टीरिया और जीस्ट के वो स्पोर्स थे उनको तो मार दिया प्रिजर्वेटिव मिला के, अब उसमें स्टार्टर मिलाना पड़ेगा जिससे कि जो अपने को चाहिए डिज़ायर टाइप की जो यीस्ट है वो ग्रोथ कर सके, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सके, ठीक है। द ग्रेप जूस आफ्टर द एडिशन ऑफ शुगर सिरप इज फर्मेंटेड बाय द एडिशन ऑफ ए कल्चर ऑफ द प्योर वाइन यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी वराइटी इलिप्सोइड्स एज ए स्टार्टर एट द रेट 2 to 5% और 20 ml फॉर एवरी 5 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। जैसे ही अपने जूस के अंदर अपने पीएच पूएच एडजस्ट कर दिया, उसमें सिरप मिला दिया, उसके बाद फर्मेंटेशन की प्रोसेस को चालू करने के लिए उसके अंदर एक प्योर कल्चर को, वाइन का एक प्योर कल्चर सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी जो एक जीस्ट है उसके प्योर कल्चर को स्टार्टर के रूप में मिलाते हैं, जामन के रूप में मिलाते हैं, ठीक है, जो कि कह लो कि 20 ml 5 किलो के हिसाब से, अगर 5 किलो 10 किलो है या 20 किलो है उसके अंदर 5 किलो के हिसाब से, मतलब प्रति 5 किलो के ऊपर 20 ml उस स्टार्टर को मिलाया जाता है, जहाँ कह लो कि जितना भी है उसका 2 to 5%, अगर आप 20-25 किलो या 100 किलो ले रहे हो उसका 2 से 5% उसका, ठीक है, जितना भी आप ज़्यादा ले रहे हो 2 to 5% उसका, या फिर आप सीधा सीधा हिसाब लगा लेना कि 5 किलो ग्रेप्स है तो उसमें 20 ml आपको जामन या फिर आपको स्टार्टर उसमें मिलाना है। जीस्ट शुड बी एडेड अबाउट एन हाउस आफ्टर एडिंग द प्रिजर्वेटिव, जो जीस्ट है उसे आपको 1 घंटे बाद, वैसे तो ये कम से कम है कि कम से कम 1 घंटे बाद मिलाना है, नहीं तो 2 से 4 घंटे आपको वेट करना है प्रिजर्वेटिव मिलाने के बाद, फिर उसके बाद आपको ये जीस्ट का इनोकुलेशन करना है, ये जीस्ट या स्टार्टर डालना है, क्योंकि उस टाइम उसमें KMS जो है सोडियम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड वो अपनी क्रिया कर रहा होता है, वो इसके बैक्ट जो इसके स्पोर्स होते हैं उनको भी ये ख़त्म कर देगा नहीं तो, ठीक है। तो इसलिए 1 घंटे बाद वेट करना है प्रिजर्वेटिव डालने के बाद, फिर इसको मिलाते हैं। इफ़ यीस्ट इज़ नॉट अवेलेबल देन प्रिजर्वेटिव शुड नॉट बी एडेड आइदर, अगर यीस्ट आपके पास उपलब्ध नहीं है, मतलब उसका प्योर कल्चर आपके पास उपलब्ध नहीं है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी वराइटी इलिप्सोइड्स का आपके पास प्योर कल्चर उपलब्ध नहीं है तो आपको प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाने, प्रिजर्वेटिव यानी कि पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलाना, ठीक है। द जीस्ट प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ ग्रेप्स कैन ऑल्सो फर्मेंटेड द वाइन बट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी वाइन, जो अगर आपने प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाए तो जब अंगूर आपने जो डाले थे उनकी स्किन के अंदर भी एक जीस्ट मौजूद होती है, वही फर्मेंटेशन की प्रोसेस को पूरा कर देगी, पर उसमें जो वाइन बनेगी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो आप उसमें प्रिजर्वेटिव ना मिलाओ अगर आपके पास कल्चर मौजूद नहीं है तो। देन है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जो किण्वन की प्रक्रिया है, द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन 27 to 29 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रॉपर फर्मेंटेशन, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच के अंदर, ठीक है, जिससे कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो ढंग से कंप्लीट हो सके। टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस एंड हायर देन 38 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट स्टॉप द फर्मेंटेशन प्रोसेस, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम रहता है या 38 डिग्री से ज़्यादा रहता है तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को एकदम से रुक जाती है, मतलब इतने कम टेम्परेचर पर भी और ज़्यादा टेम्परेचर पर भी प्रोसेस रुक जाती है, इसके बीच में टेम्परेचर बना रहना चाहिए। आफ्टर 3 डेज द मटीरियल इज फिल्टर्ड थ्रू ए मसलिन क्लोथ एंड अगेन कीप टू फर्मेंट फॉर अनदर 10 डेज सो दैट द जीस्ट सेल्स एंड अदर सॉलिड सेटल टू द बॉटम, 3 दिनों के बाद, ठीक है, जो आपका मटेरियल है उसको छान लेते हैं,
एक कपड़े से, मसलिन के क्लॉथ से उसको छान लिया जाता है, और उसके बाद फिर से 10 दिनों के लिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस को होने दिया जाता है। मतलब फिर छान के उसको फिर से वापस से ड्रम के अंदर डाल के रख देते हैं, बैरल के अंदर डाल के रख देते हैं, जिससे कि जो जीस्ट की कोशिकाएं हैं या फिर अदर सॉलिड्स हैं, भारी चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है, कोलाइडल्स हैं, वो सेटल हो जाए नीचे की तरफ, ज़मीन जहाँ कह लो कि उसका जो बॉटम रहता है लिक्विड का, उसमें नीचे जम जाए। फॉर अदर फ्रूट्स द टाइम टेकन टू कम्प्लीट फर्मेंटेशन इज़ बिटवीन 15 to 20 days, और दूसरे जो फलों के अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है वो 15 से 20 दिन का होता है। ज़रूरी नहीं है, वैसे अलग अलग फल के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें भी 13 दिन लगे, 10 और 3 दिन, ठीक है, तो इसमें 15 to 20 days अलग अलग फलों का अलग अलग होता है। देन है रैकिंग और फिल्ट्रेशन। अब रैकिंग क्या है, जैसे ही आपने उसको सेटल होने के लिए रख दिया था, ठीक है, 10 दिन के लिए, उसके बाद इसमें सिफोनिंग आउट फर्मेंटेड वाइन फ्रॉम सॉलिड डिपॉजिट इज नॉन एज रैकिंग। मतलब उसको ऊपर से निथार लिया जाता है, ऊपर ऊपर से, नीचे जो गार बैठी हुई है उसको बैठे रहने दिया जाता है, और वाइन जो प्योर वाइन होती है उसको ऊपर से निथार लेते हैं, इसे रैकिंग कहते हैं। आफ्टर रैकिंग इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड विद द हेल्प ऑफ ए फाइनिंग एजेंट लाइक बेंटोनाइट। वैन ऑल द कोलाइडल मैटर सेटल डाउन विद द बेंटोनाइट्स द प्योर वाइन इज सिफोन्ड ऑफ एंड फिल्टर्ड इफ नेसेसरी। उसके बाद क्या करते हैं, रैकिंग के बाद क्या करते हैं, मतलब आपने ऊपर से नितार ली, नीचे नीचे सॉलिड्स पड़े रहने दिए, नितारने के बाद उसको फिर बेंटोनाइट नाम, जहाँ कह लो एक तरीके के फिल्टर, जो आपने वैसे पीछे में मैंने पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में, ठीक है, मिट्टी के बने हुए कह लो, जहाँ ऐसे जैसे फिल्टर होता है, कैंडल्स तुमने देखी हुई होंगी बनी हुई, जो स्टील वाले फिल्टर आते थे पहले जिनके अंदर कैंडल लगी हुई रहती थी, कुछ वैसे ही, वैसे फिल्टरों से उसको छान लिया जाता है। और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है, अगर उसके अंदर कोलाइडल मैटर आपको लगता है कि कुछ मात्रा में पड़ा हुआ है, तो आप दूसरी बार भी इसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। देन है एजिंग और मैच्योरेशन। आपने प्योर कर लिया, उसको छान लिया, प्योर वाइन्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन बॉटल्स और बैरल्स सील टू एक्सक्लूड एयर एंड कीप टू मैच्योर फॉर 6 to 8 months। प्योर वाइन्स होती है उसको पूरे तरीके से पूरे पूरे फुल भर दिए जाते हैं बैरल्स को, या फिर बोतलों के अंदर पूरे भर दिया जाता है, उसमें हवा को निकाल दिया जाता है, और उन्हें 6 से 8 महीने तक मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब जो शराब बन गई या फिर जो भी वाइन बनी है उसे 6 से 8 महीने तक मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ड्यूरिंग द दिस एजिंग प्रोसेस द वाइन लॉसेज इट्स रॉ एंड हार्श फ्लेवर एंड टेक्स ऑन ए डिस्टिंक्ट एंड डिस्ट्रक्टिव अरोमा। जनरली ओक वुड्स बैरल्स आर यूज फॉर एजिंग बिकॉज दे इम्पार्ट ए बेटर अरोमा टू द वाइन। जो एजिंग की प्रोसेस होती है, मतलब उसको मैच्योर करने का जो टाइम रहता है 6 से 8 महीने का, इस टाइम क्या होता है कि उसका जो कच्चा स्वाद होता है, जहाँ कह रहो कि एक कटु कठोर उसका जो स्वाद रहता है, वो एक कह लो कि स्पष्ट कह लो, जा एक मृदुल कह लो, ठीक है, एक मीठी अरोमा के अंदर बदल जाता है। मतलब उसका जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है इतने दिनों के अंदर पड़ी पड़ी का, उसी को इसीलिए ही उसकी एजिंग की जाती है कि उसका जो रॉ मटेरियल और हर्ब फ्लेवर है वो एक डिस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्टिव अरोमा के अंदर चेंज हो जाए। और जनरली जो ओक वुड बैरल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, जैसे नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे आपको, ओक वुड, ओक की लकड़ी के बने हुए जो बैरल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं एजिंग के लिए, क्योंकि इनकी जो ओक की अरोमा है वो भी उस वाइन के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग मैचुरेशन द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड स्पॉन्टेनियस क्लेरिफिकेशन टेक्स प्लेस। मैचुरेशन के दौरान जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है वो रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, और उसके साथ साथ ही इसका जो क्लेरिफिकेशन जो होता है, सफाई होती है वो भी, ठीक है, उसका शुद्धता होना वो भी होता रहता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओक फ्लेवर एंड लिमिटेड ऑक्सीडेशन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब ओक फ्लेवर उसके अंदर एक्सट्रैक्ट होती है और साथ में कुछ मात्रा में उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है इस प्रोसेस के दौरान। इसके अलावा एस्ट्रिजेंट टैनिक सब्सटेंसेस प्रिसिपेट एंड एज ए रिजल्ट स्लो स्मूथनिंग द टेस्ट। इसके अलावा कुछ टैनिक जो सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, वो भी उसके साथ में निकलते हैं, उस लकड़ी से निकलते हैं और उसके प्रिटिसिपेट होते हैं, अवक्षेपित होते हैं, साथ ही जो कि उसके टेस्ट को कह लो कि स्मूथ कर देते हैं,
ठीक है, चिकना बना दो, एक दिन स्मूथ से, कहने का मतलब खरदरी सी नहीं रहती, ऐसे गले को पकड़ती नहीं है, स्मूथ हो जाती है उसका टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पैकेजिंग, द वाइन इज टिपिकली पास्चराइज्ड एट 82 to 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 2 मिनट्स फॉलोड बाय बोटलिंग। वाइन जो है उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं, पहले उसको पास्चराइज किया जाता है 1 से 2 मिनट तक, 82 से 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको पास्चराइज करते हैं। पास्चराइजेशन की प्रोसेस आप पीछे देख लेना, लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाई हुई है मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, उसमें देन उसको बोतलिंग कर दी जाती है। इसके बाद एल्कोहल इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रांडी और वाइन स्प्रिट टू मेक फोर्टिफाइड वाइन। अगर अपने को, ठीक है, पैकेजिंग के पहले अपने उसको फोर्टिफाइड करना चाहते हैं कि उसके अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाना चाहते हैं कि भाई ये इसमें 9% है या 12% से कम है, तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके अंदर ब्रांडी को या फिर जो वाइन स्प्रिट होता है उसको मिला दिया जाता है, जिससे कि उसमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाए। शुगर में बी एडेड बिफोर द फाइनल पैकिंग ऑफ द वाइन टू इम्प्रूव द टेस्ट। शुगर भी आप ऐड कर सकते हो मीठी वाइन बनाना चाहते हो तो, ठीक है, पैकेजिंग से पहले। थैंक यू। जो नेक्स्ट पार्ट, जो अपना सेकंड लेक्चर होगा, सॉरी, इसका सेकंड पार्ट होगा, उसके अंदर अपने जो विनेगर के मेथड्स हैं, विनेगर के टाइप्स हैं, सीडर है, ब्रांडी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।